एयर इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत बेंगलुरु के येलहंका के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। ये एयर शो 5 दिन तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस शो में सबसे ज़्यादा सुर्खियां HLFT-42 ने बटोरी। इसकी टेल पर हनुमान जी की फोटो है, साथ ही लिखा एक मैसेज भी है जिसमें लिखा है कि द स्ट्रोम इज कमिंग, यानी कि तूफान आ रहा है। वह उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले ये सिर्फ एयर शो था, लेकिन अब ये भारत की ताकत बनकर उभर रहा है। कोरोना काल के बाद पहली बार इस शो में दर्शक भी शामिल हो रहे हैं। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाला शो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के मुताबिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित है। इसकी थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। इक्कीसवीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं, हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को